वृंदा जी, कहिए। आप तो जानते हैं कि मेरे डैडी कितने बड़े आदमी हैं। बड़े? किस मायने में? मेरा मतलब है, हर बेटी के लिए उसका पिता तो सिर्फ पिता होता है। मतलब वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना? वो तो मैं जानती हूँ। तोल मोल कर बोलते हैं, जाहिर सी बात है। Don't feel bad. मेरे डैडी जब भी इस घर में आते हैं तो इसी कमरे में ठहरते हैं जहाँ आप ठहरे, और इस रूम में एसी भी है ना, है ना? Don't feel bad. पर मेरा मतलब समझ रही है ना? हाँ हाँ, आपका मतलब है अच्छी तरह से समझ रही हूँ। कहिए क्या करना है मुझे? ये कमरा खाली कर दीजिए। अरे चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने आपको कमरे से निकाला है, इस घर से नहीं। आप चाहे जहाँ रह सकती हैं, हॉल में, प्रसाद में, कहाँ? तोल मोल के बोलूं तो अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही हो आपको तो मैं कहीं। ना ना, मेरी तकलीफ आपके दूसरे कमरे में रहने से दूर नहीं होगी। मेरी तकलीफ का इलाज मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और वैसे भी आप बड़े हैं हमारे, आपका मान सम्मान करना फर्ज है हमारा। मैं कमरा अभी खाली किए देती हूँ। फिर भी मुझे दुख हो रहा है कि मेरी वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है। दुखी क्यों होते हैं द्वारकादास जी? ये घर ना आपका है ना मेरा, हम दोनों मेहमान हैं इस घर में। और वैसे भी मेहमान के कदम तो लौटने के लिए ही दूसरों के घर में आते हैं। मंदिर बन गया मेरा ये कमरा द्वारकादास जी, और आशा करती हूँ आपको यहाँ रहकर सुकून भी मिलेगा और अच्छे विचार भी आएंगे। जय श्री कृष्ण। देखा मेरे डैडी का कमाल, आते ही कैसे इस वृंदा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो भी इतने प्यार से कि उसको बुरा भी नहीं लगा। कुछ तो बुरा लगा होगा, लेकिन क्या ये सोचना होगा। मासी, आप इस तरह यहाँ, और ये बैग? चिंता मत कर, मीठे बा मेंशन छोड़ने का वक्त नहीं हुआ मेरा।
मैं तो बस द्वारका दास जी के लिए जगह खाली कर रही हूँ, वो जगह जहाँ मेहमान रहते हैं। मासी, ये लोग आपका इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। नाराज नहीं होते थे। लेकिन मासी, मैंने कहा ना, नाराज नहीं होते। बैठ यहाँ। अच्छा वो देख, उस डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, फिर भी वो कुर्सी खाली क्यों रहती है? मासी, क्योंकि वो कुर्सी हमारे घर के बड़े, हमारे घर के मुखिया जी काका की कुर्सी है। जी काका इस वक्त घर पर नहीं है, फिर भी रोज लोग उस डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन उनकी कुर्सी को खाली क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि वो जगह जी काका और उनके मान सम्मान का प्रतीक है, और इस घर में उनकी जगह और कौन ले सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ, अगर मैं ये कमरा खाली नहीं करूंगी तो कोकिला बहन द्वारकादास जी को जी काका के कमरे में ठहराएगी, और जी काका की जगह कौन ले सकता है जानकी? मेरा मेहमान की अपनी एक मर्यादा होती है, और मुझे अपनी मर्यादा का एहसास है, और मेरी ये कोशिश है कि कोई भी इस घर में अपनी मर्यादा ना भूले। मेरे सामान से ज्यादा अहमियत इस घर के बड़ों का सम्मान है, और मैं तो जानकी की मौसी हूँ, तो मुझे इन सब बातों का जानकी से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए ना। मैं आपको इस तरह से हॉल या परसाड में सोने नहीं दूंगी। आप मेरी मासी हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। आपको मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोना होगा। तुम्हारे कमरे में मेरी नहीं, समीर की जगह है। लाओ चादर दो मुझे। मासी, बचपन से अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा, लेकिन आपसे अलग क्या होंगी? आज जानकी जो कुछ भी है अपनी मासी की परवरिश की वजह से, और जिंदगी में आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मासी, बिल्कुल सीखना बाकी है। ये जो तेरे हाथ में है ना जानकी, इसकी जरूरत अब समीर को नहीं, उसकी जगह बाहर नहीं, उसके अपने कमरे में, तेरे कमरे में है। जाकर समेट ले अपना बिखरा हुआ परिवार जानकी, जिंदगी बार बार खुश होने का मौका नहीं देती। मौका दिया है तो मौके का फायदा उठाना सीख। ऐसे क्या देख रही है मेरी ओर? दिमाग पर इतना जोर मत डाल, दिल की आवाज सुन। जा, जाना। तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? I mean, किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? नहीं, वो मैं सिर्फ इतना कहने आई थी कि तुम अब अपने कमरे में सो सकते हैं।
पकड़ कर धक्के मार कर घसीट कर इस घर से बाहर निकालने वाली थी ना, है ना? तो भूल जाइए मत, क्योंकि आपने देखा नहीं कि रोहित मेरे साथ कितना खुश था, वो भी इस घर में रहते हुए। और मैं भी। हाँ ठीक है, वो खुश है तो क्या हुआ? देख लेना, तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का और कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगी। मैं भोली दिखती हूँ, हूँ नहीं? मम्मी जी, मैं आपको और आपके भोलेपन को अच्छी तरह से समझ गई, और मैं आपके इस भोलेपन के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसने वाली। और हाँ, याद रखिएगा, ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है, और मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और अगर आपने मुझे जबरदस्ती इस घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं आपकी कंप्लेन पुलिस में करती हूँ। जी नहीं, वाह गुरु मासी, वाह। वृंदा जी, आपकी बताई हुई चाल की वजह से मैं अपने बहू और बेटों खोने से तो बच गई, उल्टे रास्ते की ये सीधी चाल। भाभी, ऐसा क्या हो गया है जो आप इतनी परेशान हो रही हैं? यूं तो आप लोगों को परेशान करती रहती हैं। चुप भावना, पहले ये बता, तुमने ये देखा है? जब से कोकी के डैडी ने वृंदा को देखा है तब से उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो शायद वृंदावासी से डर गए होंगे। भावना, वो भेड़िया डरने वालों में से नहीं है, चक्कर कुछ और ही है। हो सकता है वो वृंदावासी के खिलाफ कोई चाल सोच रहे होंगे। भी, हम लोग वो डैडी का साथ देने की बजाय वृंदा मासी का साथ देते। तुम पागल हो गई हो भावना? क्यों? इस वृंदा से मुकाबला करने के लिए ही तो हम लोगों ने कोकी के डैडी को यहाँ पर बुलाया था, अब हम लोग ही पाला बदल ले? नहीं, बात यह है ना भाभी कि उनको देखते ही मनर भैया की जेल जाने की बात याद आती है। तो फिलहाल सब कुछ भुला दे भावना, क्योंकि मैं इस वृंदा से जीतने के लिए किसी भी हरे गहरे का साथ दे सकती हूँ। बस मुझे सिर्फ एक बात का पता लगाना है कि ऐसा कौन सा राज है वृंदा के बारे में जो सिर्फ द्वारकादास जी जानते हैं। राज? हाँ भावना, द्वारकादास जी के चेहरे पर साफ दिखता है, वो जब भी वृंदा को देखते हैं तो वृंदा का कोई तो ऐसा राज है जो सिर्फ और सिर्फ वो ही जानते हैं। ऐसा कौन सा राज हो सकता है भाभी? गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग कोकी बेटा। डैडी, पता है अब बड़ा मजा आया, रोज की तरह वृंदा आज भी सबसे पहले अखबार लेकर बैठ गई। मैंने जाकर कहा मेरे डैडी को अखबार पढ़ना है, चुपचाप उसने अखबार मेरे हाथ में थमा दिया। Don't feel bad, Daddy, लेकिन आपका बड़ा रौब है, डरती है वो आपसे। कहाँ? ये अब जब से आए हैं तब से कुछ सोच में पड़े, खासकर उस वृंदा को देखते ही आप। कोई प्रॉब्लम है? पहले से जानते हैं उसे? मेरा मतलब है, आपका कोई केस या कोई काम किया है उसने? तोल मोल के बोलूं तो यही तो याद नहीं आ रहा है कुकी बेटा। ये बात तो तय है, किस वृंदा देसाई को मैंने देखा कहीं जरूर है, बार बार उसका चेहरा मुझे याद आ रहा है, लेकिन कहां देखा है ये याद नहीं आ रहा। डैडी, उस वृंदा के लिए अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की कोई जरूरत नहीं। आप ये गरम गरम चाय पीजिए और आज का अखबार पढ़िए, याद आ जाएगा अगर याद आना है तो। हुँ?
फोटो देखकर वृंदा के बारे में मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। कार एक्सीडेंट हुआ था। अब याद आया, ये वही वृंदा देसाई है जिसका परिवार कार एक्सीडेंट में मारा गया था। और ये एक्सीडेंट किसने किया, ये आज तक किसी को नहीं मालूम। सिर्फ एक आदमी जानता है इस राज को, और वो है द्वारका दास। वाह कुदरत, वाह। मैं तो सिर्फ बोलता ही, लेकिन तूने तो ये जबरदस्त टोल मोल के खेल खेला है। अब आएगा मजा वृंदा। वृंदा मौसी, ये राज अब कैसे बदलता है मेरे अंदाज, और कैसे बर्बाद करता है तुमको और इस घी वाला परिवार को। देखते जाओ।